सबसे पहले दो बेसिक टर्म समझ लेते हैं। पहला टर्म है इंप्रेशन और दूसरा टर्म है रीच। फर्स्ट इज इंप्रेशन, एंड सेकेंड टर्म इज रीच। इंप्रेशन का मतलब है कितनी बार आपका एड दिखाया गया है। इसका मतलब है कितनी बार आपका एड दिखाया गया, नंबर ऑफ टाइम्स। और रीच का मतलब है कितने यूनिक लोगों को एड दिखाया गया है। तो ये यूनिक लोगों के बारे में। डिफरेंस क्या है कि इसमें हम सिर्फ एड की बात कर रहे हैं, इसमें लोगों की बात नहीं कर रहे, और इसमें हम इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इस चीज को। तो हमने कहा कि हम एक फेसबुक एड रन करते हैं जिसका नाम है एड वन, और ये 20 लोगों को ये एड दिखा है। हर लोगों ने, हर इंसान ने 5 बार ये एड देखा है। तो अगर हम इंप्रेशन समझने की कोशिश करें तो कितनी बार एड दिखा, 20 लोगों को दिखा और हर लोगों ने, हर इंसान ने 5 बार दिखा, तो टोटल एड जो डिस्प्ले हुआ है वो 100 टाइम्स, ये आपका इंप्रेशन है। लेकिन रीच की बात करें तो वो सिर्फ 20 है, क्योंकि इंडिविजुअल जो यूनिक लोग हैं वो सिर्फ 20 है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट टर्म जो हम देखने जा रहे हैं वो है सीपीएम। वो भी कुछ मिलता जुलता है। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर माइल्स। और इसका मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट जो आपने स्पेंड किया, और 1000 लोगों को अगर वो ऐड दिखा है उसका कैलकुलेशन है। तो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। अब यहां ध्यान देंगे, हम रीच की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंप्रेशन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं दोबारा से कि आपने टोटल 5000 रुपीज इन्वेस्ट किए एक एड को रन करने में, और वो 2500 टाइम्स डिस्प्ले हुआ है, मे बी सेम लोग को या फिर अलग अलग लोगों को, लेकिन 2500 बार वो डिस्प्ले हुआ है। तो आपका सीपीएम इज 2 रुपए, मतलब एक लोगों को एड दिखाने के लिए 2 रुपए लगा है। और अगर हम कैलकुलेट करें, बैक कैलकुलेशन करें, तो एक लोगों के लिए हमारा 2 रुपए लगा है, 1000 लोगों के लिए हमारा 2000 लगेगा। अगर 2000 लोगों को ऐड दिखाएंगे तो हमारा 4000 लगेगा। अगर हम 500 लोगों को दिखाएंगे या तो हमारा
1000 लगेगा। तो हमने टोटल कितने लोगों को ऐड दिखाया है, ये 2500 लोगों को। तो ये कैलकुलेशन हमारा टोटल हो गया। तो ये बैक कैलकुलेशन है समझने के लिए। नेक्स्ट टर्म जो है सॉरी वो है CPA। CPA का मतलब फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इससे रिलेटेड एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं CPC, कॉस्ट पर क्लिक। CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब क्या है? आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है एक लीड या कस्टमर जनरेट करने के लिए। इसका मतलब है कॉस्ट लीड या कस्टमर जनरेट करने के लिए, लीड और कस्टमर। और कॉस्ट पर क्लिक है जो आप अमाउंट पे करते हैं अगर कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा। When someone click on your ad, ये कैसे? एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इससे। अभी ऐसा मानते हैं कि आपने, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए ऐड के लिए, और उस 1000 रुपीज़ में आपके पास ये ऐड को, इस ऐड को लेट्स से 1000 लोगों ने देखा, और इस 1000 लोग में 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा या फिर प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी की, तो ये कस्टमर हो गए। और 500 लोगों ने सिर्फ आपके ऐड को देखा और कोई भी एक्शन नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पे आप CPM से भी इसका डिफरेंस समझ सकते हैं। तो हमने क्या केस अभी समझा है कि 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है एडवर्टीजमेंट के लिए, 1000 लोगों को वो ऐड दिखा है, और उस 1000 लोग में 500 ऐसे हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट ख़रीदा या इंक्वायरी की प्रोडक्ट के लिए, और 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंक्वायरी या कुछ भी प्रोडक्ट ख़रीदा नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं की है। तो आपके कस्टमर्स कितने बने? आपके कस्टमर्स सिर्फ 500 लोग बने, ये 500 ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना हो गया? टोटल कॉस्ट आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और 500 लोगों ने आपसे इंक्वायरी या आपके पोटेंशियल कस्टमर बने, तो कॉस्ट पर एक्विजिशन 2 रुपये हो गया आपके। और अगर CPM हम कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो आपका एड टोटल 1000 लोगों ने देखा है और 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका CPM अभी 1 रुपये हो जाएगा। पहला अभी जो हमने टर्म लिखा विच वॉज CPC कॉस्ट पर क्लिक,
और दूसरा है CTR, कॉस्ट थ्रू रेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसा कि हमने डिस्कस किया, कॉस्ट पर क्लिक है कि आपके लिंक पे क्लिक करने का, आपके ऐड पे क्लिक करने का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट टू क्लिक ऑन ऐड। और कॉस्ट थ्रू रेट है कॉस्ट थ्रू रेट है कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया। अभी मैं एग्जांपल से अगर इसे समझूं, तो हमने लेट्स से 500 रुपये टोटल अमाउंट डिसाइड किया है एडवर्टीजमेंट के लिए और हमने CPC रखा 5 रुपये, कि जब भी कोई मेरे ऐड पे क्लिक करेगा 5 रुपये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये ऐड जिस दिन भी 100 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया, ये एडवर्टीजमेंट उस दिन रुक जाएगा। ठीक है, अब वो एक दिन में हो सकता है, एक मंथ में हो सकता है, 1 ईयर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता नहीं, बट समझने के लिए, तो कॉस्ट पर क्लिक इज आपने कितना टोटल अमाउंट स्पेंड किया है और उस एड पे क्लिक करने के लिए आपने कितना अमाउंट सेट किया है। यूजुअली 5 रुपये के अराउंड होता है, बट आप डिसाइड कर सकते हैं। कॉस्ट थ्रू रेट है कितने लोगों ने क्लिक किया है। तो आपने, आपका एड है जिसे मान लेते हैं 1000 लोगों ने देखा उस एड को, और उस 1000 लोगों में 500 लोगों ने सिर्फ एड देखा है और 500 लोगों ने आपके उस एड पे क्लिक किया है या कोई एक्शन लिया है, और आपने टोटल इस एड के लिए 5000 रुपये खर्च किए हैं। तो आपका CTR क्या हो जाएगा? आपका CTR हो जाएगा 5000 / 500, विच इज 110। अब ये CTR और CTR और CPA में डिफरेंस समझ लेते हैं। CPA हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन था और CTR कॉस्ट थ्रू रेट है। ठीक है, अभी सेम पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं, प्रीवियस एग्जांपल के साथ करते हैं ये। 5000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है एडवर्टीजमेंट के लिए और इसे 1000 लोगों ने देखा है। इस 1000 लोगों में से 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ देखा और कोई एक्शन नहीं लिया, 500 लोगों ने आपके लिंक पे क्लिक किया है और आपके साइट को विजिट किया है। इस 500 में 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंक्वायरी की है या कोई प्रोडक्ट खरीदा है, और बाकी 450 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ साइट विजिट किया है, कोई इंक्वायरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। ठीक, तो CTR आपका जैसा हमने कैलकुलेट किया था वो आ जाएगा 10 रुपये, क्योंकि 500 लोगों ने क्लिक तो किया है, और ये हमारा मेट्रिक जो है CTR वो सिर्फ यही मेजर करता है कि कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक किया है। लेकिन CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतने लोगों ने ही इंक्वायरी या प्रोडक्ट खरीदा है,
तो CPA आपका 5000 डिवाइडेड बाय 50 विच इज 100। तो एक कस्टमर बनाने के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने पड़े, इसका मतलब बस इतना है। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। अभी तक हमने इम्प्रेशन सीख लिया है, जो कि क्या है कि आपका कितनी बार एड शो किया गया है। हमने रीच सीख लिया है, कितने यूनिक लोगों को एड आपका दिखा है। हमने CPM सीख लिया है, 1000 लोगों को एड दिखाने का कॉस्ट जो पड़ता है उसे हम CPM कहते हैं, कॉस्ट पर माइल। हमने CPA सीख लिया है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक कस्टमर बनाने के लिए हमारा कितना कॉस्ट लगता है। हमने CPC सीख लिया है, कॉस्ट पर क्लिक, अगर आपके एड पे क्लिक करने का कितना अमाउंट खर्च हो रहा है, टोटल अमाउंट उस एड आपका उसी हिसाब से चलने वाला है। और हमने CTR सीख लिया है, कॉस्ट थ्रू रेट, कितने लोगों ने आपके एड पे क्लिक किया है। अगर आप एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे, एक बार इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और अब हम जो दो चीज़ें सीखने वाले हैं, अच्छा एक एक यही, इसके साथ ही एक चीज़ और आती है कभी कभी, फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ होता है। इसका मतलब थोड़ा सा इम्प्रेशन से मिलता जुलता है। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि कितनी बार आपका एड दिखा है। ये मे बी सेम पर्सन को या मे बी डिफरेंट पर्सन को। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार आपका एड दिखा है लेकिन सेम पर्सन को, ठीक है। अब जो दो चीजें हम सीखने वाले हैं उसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट फिलहाल हम अभी उसे समझ लेते हैं। एक टर्म आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बूस्ट। ये बेसिकली ब्लू बटन है, आपके फेसबुक पेज पे आपको दिखेगा, ये आपके पोस्ट के साथ। आपके पोस्ट के साथ, और इसका मतलब क्या, ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये पोस्ट का एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, कब काम आता है इसका हम वो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि मेरी एक कंपनी है, मैं फैशन डिजाइनर हूं और मेरी एक कंपनी है फैशन डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। अब मैंने इसके लिए एक फेसबुक पेज क्रिएट किया जिसका मैंने नाम रखा फैशन फॉर ऑल। ठीक है, अभी मैं एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, फर्स्ट जनवरी को, 1 जनवरी 2020 2021। इस फैशन शो के लिए मैंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट डाला, ये आपके फेसबुक पेज पे मैंने पोस्ट डाला दैट ऑन 1 जनवरी वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ फैशन शो। ठीक है, अब उस पोस्ट को मैं बूस्ट कर सकता हूँ।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो पोस्ट दिखे और ज्यादा इंगेजमेंट हो। ठीक है, तो आप इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट भी रन कर सकते हैं और आप पोस्ट को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पोस्ट बूस्ट काम आता है। इसके लिए हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। दूसरा टर्म जो है वो है फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल, पिक्सल क्या है? पिक्सल बेसिकली आपके फेसबुक पेज का एक कोड है। जब आप फेसबुक पेज बनाते हैं तो आपके पेज पे एक पिक्सल, पिक्सल एक सॉफ्टवेयर है जावा के थ्रू डेवलप किया गया, जावा कोडिंग लैंग्वेज से। और उससे क्या होता है कि एक कोड जनरेट हो जाता है जो आप अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी आप, और ये काम किस किस लिए काम करते हैं? ये हम ये करते हैं अपने कस्टमर को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और रीटारगेटिंग के लिए भी। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने अपना एक फेसबुक पेज बनाया, प्रीवियस एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। मेरी कंपनी है स्टाइल फॉर यू। ठीक है, ये मेरा, मेरी कंपनी का नाम है। इसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया। और इसी के लिए मेरा एक वेबसाइट है www.sfy.com। एग्जाम्पल समझते हैं बस ऐसे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फेसबुक पेज जैसे ही क्रिएट किया और इसके पिक्सल मैंने इसके साथ अटैच कर दिए। ठीक, और इस साइट पे क्या मिलता है आपको? इस साइट पे आपको फैशन प्रोडक्ट मिलते हैं। लेदर वॉलेट, लेदर बेल्ट, लैपटॉप बैग, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि जब मैंने इसके लिए एडवर्टीजमेंट रन किया, स्टाइल फॉर यू के लिए जब एडवर्टीजमेंट फेसबुक पेज के थ्रू मैंने रन किया, तो कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने मेरे पेज को विज़िट किया, मेरे वेबसाइट को विज़िट किया, वेबसाइट को विजिट किया पर कुछ भी खरीदा नहीं, बस प्रोडक्ट को चेक किया और वापस आ गए। दूसरा कस्टमर है जिन्होंने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, कार्ट में ऐड किया पर खरीदा नहीं। और एक तीसरा कस्टमर है जिन्होंने एक बेल्ट खरीदा। ठीक है, अभी फेसबुक पिक्सल मेरे साइट के साथ अटैच है, तो जितने भी, इसे मैं कस्टमर 1 कहता हूँ, इसे कस्टमर 2 और इसे कस्टमर 3। अब मेरे फेसबुक पेज पे मुझे इन तीनों कस्टमर्स की डिटेल मुझे दी जाएंगी, मुझे इस कस्टमर का डिटेल मिलेगा। और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस कस्टमर को और एडवर्टीजमेंट्स दिखा सकता हूँ, ताकि अभी तो सिर्फ वो विजिट किया है मेरे वेबसाइट पे, कुछ खरीदा नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एडवर्टीजमेंट बार बार दिखाया जाए ताकि वो
कभी तो मेरा प्रोडक्ट खरीदे, इसे हम कहते हैं रीटारगेटिंग। ठीक है, दूसरा ऐड टू कार्ट जिसने किया था पर खरीदा नहीं, मे बी उसके रीजंस कुछ हो सकते हैं, प्राइस हो सकता है उन्हें ज़्यादा लगा, हो सकता है क्वालिटी उन्हें नहीं समझ आ रही थी, हो सकता है उन्हें स्टाइल नहीं समझ में, कलर पसंद नहीं आ रहा है या स्टाइल समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। ठीक है, तो मैं इन्हें भी कुछ हेजिटेशन था जिसके कारण उन्होंने खरीदा नहीं, तो मैं इन्हें भी बार बार वो प्रोडक्ट दिखाऊंगा और उन्हें ऑफर्स दूंगा कि अगर आप अभी खरीदेंगे तो आपको 50% ऑफ है। तो जो भी उनके उनकी हेजिटेशन थी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, वो एक बार ट्राई करने को रेडी हो जाएंगे क्योंकि मैंने उनको ऑफर दिया। तो जो आपके पोटेंशियल ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं जो खरीदना चाह रहे थे पर किसी रीजन से नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हम उन्हें ऑफर दे करके अपने प्रोडक्ट को ट्राई करने को बोल सकते हैं। तीसरा जो कस्टमर है जिन्होंने बेल्ट लिया, मैं उनको भी अभी एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं एडवर्टीजमेंट वॉलेट्स का दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने हमारा बेल्ट खरीद लिया है, अब मैं उन्हें वॉलेट्स के लिए बोलूंगा कि वॉलेट्स आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से फेसबुक पिक्सल काम करता है, वो बेसिकली आपके कस्टमर को ट्रैक करके आपके बारे में आपको बताता है, आपके आप उनको अपने प्रोडक्ट्स के उन कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एक दूसरा टर्म जो यूज होता है बहुत ऑफन वो है फनल। फनल बेसिकली प्रोसेस को कहते हैं सेल प्रोसेस को कहते हैं। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है एक्स, स्टार्टअप है, मतलब न्यू कंपनी है, तो इसे कोई अभी जानता नहीं है, कोई भी अभी जानता नहीं है। इसने फेसबुक एड रन किया, ब्रांडिंग की, अब लोग इन्हें जानने लगे हैं, और एडवर्टीजमेंट किया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया और ऑफर्स दिए, तो लोगों ने इनका प्रोडक्ट सेल होने लगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जहां पे आप को कोई नहीं जानता है, वहां से आपने लोगों को अपने बारे में बताना शुरू किया और अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया, इस पूरे प्रोसेस को हम फनल कहते हैं। ये बेसिकली स्ट्रैटेजी है जहाँ पे किसी कंपनी को ना जानने से लोग जानने लग जाते हैं और उसके प्रोडक्ट को खरीदने लग जाते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एप्पल है, उसे लोग जानते हैं लेकिन हर लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदता। फिर अभी अगर उनका कोई ऑफर आ जाए तो लोग उसके प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे। तो इनके लिए, एप्पल के लिए फनल सिर्फ ये हुआ। तो बेसिकली फनल आपका एक ऐसा स्ट्रैटेजी, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट का आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, अपने प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज कर सके। एक दूसरा टर्म जो बहुत ज्यादा यूज दिखेगा आपको, लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस जैसा कि टर्म से पता चल रहा है,
क्लोन ऑडियंस समझ लो आप इसको, या आइडेंटिकल ऑडियंस। ठीक है, ये काम कैसे करता है? अभी मैं कह रहा हूं मेरी कंपनी है एक्स वाई जी, और एक साल में मैंने अपने इस काम एडवर्टीजमेंट के थ्रू 1000 लोगों का डेटा कलेक्ट किया, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर या प्रोफाइल, 1000 कस्टमर्स का डेटा मैंने कलेक्ट किया है जो मेरे प्रोडक्ट की तरफ इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उनको मे बी लेट्स से ये मोबाइल की कंपनी है, तो मैंने 1000 लोगों का डेटा कलेक्ट किया जो मेरे एक्स वाई जी कंपनी के मोबाइल में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लुक अलाइक ऑडियंस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं या ऑप्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट के टाइम पे, तो गूगल क्या करता है कि ठीक इसी 1000 लोगों के, और जो 1000 लोगों का डेटा आपने डाला है उसी तरीके के लोगों को वो टारगेट करना शुरू कर देता है, आइडेंटिकल टू दीज कस्टमर्स। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं समझूं कि ये 1000 लोगों का इंटरेस्ट में भी ग्रीन कलर होता है, एग्जाम्पल के लिए इनका इनका बजट, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के किसी, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो लेट्स से डुअल सिम मोबाइल प्रेफर करते हैं, तो गूगल इन्हीं कैटेगरी को बेसिस मान के, इन्हीं कैटेगरी को वो अलग अलग लोगों को ढूंढना शुरू कर देगा जिनका प्रेफरेंस ग्रीन कलर होता है, या जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या जिनका प्रेफरेंस डुअल सिम होते हैं। तो ये लुक अलाइक ऑडियंस ये होता है कि आपने कुछ डेटा डाला, ज़रूरी नहीं 1000 हो, आप 100 डाल सकते हैं, आप जितना बड़ा डेटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली गूगल आपको टारगेट ऑडियंस, आपके टारगेट ऑडियंस को आपका एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टर्म है जो यूज होगा आपका प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का मतलब होता है फेसबुक एडवर्टीजमेंट के लिए, प्लेसमेंट का मतलब होता है किन किन प्लेटफॉर्म पे आप अपने एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं। तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टीजमेंट। तो आप जब ये एडवर्टीजमेंट डिजाइन करेंगे तो आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप या तो इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, आप फेसबुक फीड पे दिखाना चाहते हैं या नहीं, आप फेसबुक स्टोरी में दिखाना चाहते हैं या नहीं, आप मैसेंजर के थ्रू दिखाना चाहते हैं या नहीं एडवर्टीजमेंट, आप आर्टिकल के थ्रू दिखाना चाहते हैं या नहीं। आर्टिकल के थ्रू का मतलब क्या है कि जब भी आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होंगे तो कोई न्यूज़ का आर्टिकल हो, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कंपनी ने COVID-19 की वैक्सीन डिस्कवर की, ये अगर न्यूज़, ये एक आर्टिकल है न्यूज़ आर्टिकल जो प्रिंट हुआ है, जब कोई इसे ओपन करेगा तो ये आर्टिकल ओपन हुआ और इस आर्टिकल में यहाँ पे इधर पे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में आप दिखाना चाहते हो कि नहीं ऐसे आर्टिकल्स में, तो ये बेसिकली प्लेसमेंट्स जो पूछते हैं वो बेसिकली ये पूछते हैं कि आप अपने फेसबुक एडवर्टीजमेंट किन किन प्लेटफॉर्म पर दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो और क्या, आउटबाउंड
आउटबाउंड क्लिक देख लेते हैं। आउटबाउंड क्लिक का मतलब यह है जब भी कोई कस्टमर अपना फेसबुक साइट छोड़ के किसी दूसरे साइट पे जाता है। तो मैं कह रहा हूँ ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल पेज है और यहाँ पे मुझे एक एडवर्टीजमेंट दिखा। उस एडवर्टीजमेंट अभी मैं फेसबुक पे हूँ, उस एडवर्टीजमेंट पे जैसे क्लिक किया एक ये फेसबुक साइट से डायरेक्ट होकर के मैं इस साइट पे चला गया, ये एक्स वाई जी कंपनी। ठीक है, अब मैं यहाँ तो जैसे ही मैंने इस एड पे क्लिक किया अब मैं दूसरे फेसबुक साइट को छोड़ के मैं दूसरे साइट पे चला गया। इस प्रोसेस को हम आउटबाउंड क्लिक कहते हैं, इस क्लिक को हम आउटबाउंड क्लिक कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज कॉस्ट पर 10 सेकेंड वीडियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एवरेज अमाउंट आपने कितना स्पेंड किया है एक वीडियो का वीडियो एडवर्टीजमेंट के लिए। तो अभी हम जो एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट या तो आप इमेज के फॉर्म में कर सकते हैं या फिर आप वीडियो के फॉर्म में कर सकते हैं। तो जो भी हमने सीपीसी वगैरह देखा था वो लिंक के थ्रू, लिंक के लिए था कि लिंक पे क्लिक करते हैं या नहीं करते। ये वीडियो के लिए, ये वीडियो व्यू के लिए है, इसका मेट्रिक है ये। तो मैं कहता हूँ कि ये वीडियो है, अब ये वीडियो के थ्रू मैंने एडवर्टीजमेंट किया किसी प्रोडक्ट का और 1000 लोगों ने देखा और इसका कॉस्ट जो मैंने पहले बजट जो मैंने डिसाइड किया था वो मैंने 5000 किया था, 1000 लोगों ने उस एड को देखा। इन 1000 लोगों में 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 9 जिन्होंने 9 सेकेंड या उससे कम के लिए वीडियो देखा, लेस देन 9 सेकेंड, सॉरी 9 सेकेंड से कम के लिए वीडियो देखा है। और कुछ लोग ऐसे हैं, 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 सेकेंड और उससे ज्यादा के लिए ये वीडियो देखा। ठीक है, तो आपका कॉस्ट पर 10 सेकेंड वीडियो का जो आएगा वो आएगा 5000 डिवाइडेड बाय 500, तो विच इज 10। ठीक है, अभी लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप CPM या CPC वो कैलकुलेट करेंगे तो वो मेट्रिक अलग हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतने टर्म्स ही हैं जो मे बी जरूरत पड़ेंगे आपको। कुछ तो आपको फेसबुक एड को एनालाइज करने के लिए जरूरत होने वाला है, कुछ ऐसे हैं जो फेसबुक एड क्रिएट करने के लिए आपको जरूरत होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी किन किन टर्म्स को हमने देखा है, सीखा है। इम्प्रेशन, और क्या देखा, CPM और रीच, फिर CPA, फिर बूस्ट, फिर CPC, CTR और क्या, फ्रीक्वेंसी,
FB पिक्सल, फनल और लुक अलाइक ऑडियंस, और प्लेसमेंट, आउटबाउंड क्लिक, और कॉस्ट पर 10 सेकेंड वीडियो। सो मे बी दिस विल बी रिक्वायर्ड वंस यू स्टार्ट प्लानिंग योर एडवर्टीजमेंट, और या तो फिर आपको ये जरूरत पड़ेगा व्हेन यू एनालाइज योर फेसबुक एड्स। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। थैंक यू।